अरे विभू, जल्दी कॉफी लाओ ना यार। तो छोटे छोटे कामों के लिए इतना टाइम क्यों लगाते हो तुम आजकल? लगता है मुझे नया पति लाना होगा। तो ले आइए ना मैडम नया पति, लेकिन आपको हम जैसा सर्वेंट कम हस्बैंड नहीं मिलेगा दूसरा। और दूसरी बात है कि हम जैसा शख्स, अगर आप 1000 वाट का बल्ब लेके भी निकलेंगे ना बाहर, तो ना मिलता जी। ऐसे मॉडल आना बंद हो गया आजकल, 1 लीटर में 100 किलोमीटर। जी ऐसे मॉडल आजकल आउटडेटेड कहलाते हैं। और क्यों, तुम में ऐसे क्या लाल लटके हुए हैं? तुम्हें इस बात का एहसास उस दिन होगा जब मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। दूर, यहां से दूर। ओह गॉड, मेलो ड्रामा करना तो इसने अपने मम्मी से ही सीखा होगा। पूरा का पूरा खानदान मेलो ड्रामेटिक। इलेक्ट्रिसिटी के बिल का अलर्ट क्यों है? अभी तो विभू को मैंने 2 दिन पहले पैसे दिए थे। अरे विभू, विभू जल्दी इधर आओ। प्लेट लाना कब सीखोगे? बिल के पैसे दिए थे मैंने तुम्हें, भर के आए। तुम उस रोज ऑनलाइन भर रही थी ना पैसे, याद है तुम्हें? तुम्हें याद है कि उस दिन सर्वर डाउन था, इसीलिए मैंने तुम्हें 3000 रुपए दिए थे 2 महीनों का बिल भरने के लिए। तुम भर दिया होगा, I'm sure भर दिया होगा। होगा क्या होता है? मतलब आइदर तुमने बिल भरा है या फिर बिल नहीं भरा है, होगा क्या होता है? यार भर दिया होगा यार, तुमने छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बना लेती हो यार। नो 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 नो, आई एम वेरी श्योर कि उन 3000 रुपयों में तुम भरपूर अय्याशी करके आए हो। अय्याशी की तुमने और मैं बात का पतंगड़ बना रही हूँ। बिजली वाले क्या करेंगे, बहुत करेंगे तो हमारा मीटर काट देंगे ना। तो मतलब बिजली से ना मैं तिवारी जी के तार में तार डाल लूंगा। कितनी बार कटी हमारी बिजली मालूम पड़ा तुम्हें? मैं ही करता हूँ, तिवारी जी में डाल देता हूँ। विभू, एक तो बिजली का बिल न भरने का गुना, अब बिजली की चोरी का अलग गुना। वाओ यार, हर कदम पे एक गुना, हर कदम पे एक गुना यार, चलना फिरना मुश्किल हो गया यार। तुम्हें क्या हो गया यार, तुम इतने इनसेंसिटिव क्यों हो गए हो? लगता है बेरोजगारी की दीमक तुम्हारे सारे उसूल, तुम्हारे सारे आदर्श चाट गई है। एक नंबर के निकम्मे निठल्ले आदमी है ये। उफ, तुम्हारे ये उसूल, तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे उसूल और आदर्श को गूंद के 2 वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती। Not 2 times रोटी। मेलोड्रामेटिक क्यों बन रहे हो? देखो मैं जानती हूँ कि उसूल और आदर्शों से 2 वक्त की रोटी नहीं बनती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बेबी कि तुम इतने इनसेंसिटिव हो जाओ कि तुम्हारे आंख का पानी ही सूख जाए। हमारी आंखों का पानी अभी बरकरार है भाभी जी। अनु मैडम, जब बेरोजगारी का सूरज सर पे चढ़ के जरूरतों की चिंगारियां छोड़ता है ना, तो आंखों की क्यारियों का जो पानी होता है ना, वो इमोशंस धुआं बन के काफूर हो जाता है। तेरी बकवास। तुम्हारा कहना है विभू कि तुम्हारे पास बेरोजगारी की एक छोटी सी ढाल है जिसके आड़ में तुम लड़ते रहते हो, तुम्हारा यही फंडा है। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम इतने इनसेंसिटिव क्यों हो चुके हो? यू ट्राइंग टू से कि मैं इनसेंसिटिव हूं? मैं इमोशनल नहीं हूं, मेरे अंदर जज्बात नहीं है। ओके, प्रूव इट। ओके। तुम्हें याद है एक दिन हम मार्केट गए थे, तो हमने देखा कि एक आदमी को मृगी का अटैक आ रहा है। हाँ, और तुमने क्या किया, उसे मदद करने के बजाय तुम रिक्शा में कूद गए और भग लिया वहां से। बेबी, यू डोंट नो, उसको मृगी का अटैक नहीं आया था। मैंने उसकी आंखें देखी थी, हरी हो गई थी। हाँ? उसके अंदर चुड़ैल आ गई थी। He was possessed. Yes. विभु, please. जब तुम भग लिए, उसके बाद मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गई, तब डॉक्टर ने उसे मृगी का इंजेक्शन दिया, उसके बाद वो ठीक हुआ। You know, मुझे मुझे
मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे सामने कोई तड़पे ऐसे, मेरा बड़ा कच्चा दिल है। I really really feel oh please Vibhu, really please stop it। सौ बात की एक बात ये है कि तुम्हारे अंदर इमोशंस नहीं है, तुम्हारे पास जो भी इमोशंस है खुद के लिए है, सामने वाले के लिए तो कोई कंसिडरेशन ही नहीं है। तुम ये कहना चाह रही हो कि मेरे में जज्बात ही नहीं है? जज्बात ही नहीं मेरे? जज्बात कहाँ है तुम्हारे जज्बात? दिखाओ तुम्हारे जज्बात विभु, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे जज्बात, तुम्हारी वल्नरेबिलिटी सारे की सारी सामने आने दो, तभी तो मेरे समझ में आएगी। डोंट यू नो दैट आई लव इमोशनल पीपल? ओह गॉड, ओह गॉड, ओह गॉड, क्या हो गया? क्या हो गया? इजी, क्या हो गया? क्या हो गया विभु? विभु, 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 भाभी जी, इस मामले में हम आपको निराश नहीं करेंगे, हम आपको इमोशनल नहीं ओवर इमोशनल बनकर दिखाएंगे। हाय दिया, आ रहे हैं, आ रहे हैं, पूरा दिन बजते रहते हैं। हाँ हेलो अम्मा जी, अपन नाम करे हैं। जुग जुग जी उम्र बच्ची, कैसन बा? अम्मा जी, जिसकी आपके जैसी कूलर सासू माँ हो ना, वो कैसी होगी? वो कूल होता है बिटिया। सही पकड़े हैं। आई लव यू उम्र बच्ची। लव यू टू अम्मा जी। कहा है ना, पंडित रामफल जो है बैल का कुंडली में कछु दोष बता रहे हैं, हैं? हाय दिया। तो तुमको घबराने का कोई जरूरत नहीं है, उपाय है एकदम आसान, बस वो करो ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक बा, बताइए का करना है अम्मा जी? उपाय ये है कि तुमको घर में पकवान बनाना है और अपने पड़ोसियों को जो है दावत पे बुलाना है, दावत में कढ़ी खिलाना है, हैं? अब बस इतना सा ही? जरूर जरूर करेंगे अम्मा जी। हाँ बस इतना ही करना है, लेकिन उपाय में कोनो चूक नहीं होना चाहिए और बैल को तो बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। हम बैल को हम नमाज बल्ला जी के भैया को ना ही बताएंगे अम्मा जी। हाँ तो बिटिया, वैसे दावत में किसको बुलाओगी? हम सोच रहे हैं कि अनीता जी और भरभूति जी को ही बुला लेते हैं। अरे उन नल्ले को रहने दो, लेकिन गोरी बिटिया हमको बहुत पसंद है, उका जरूर बुलाना है। अम्मा जी, एक को बुलाएंगे और दूसरे को ना ही अच्छा ना ही लगता है ना, पति पत्नी दोनों को बुला देते हैं और जोड़ा जिमा देते हैं। अच्छा ठीक बा, बुला लेना है। अच्छा चलो हम रखते हैं। ठीक बा अम्मा जी, भाई भाई प्रणाम। सब ठीक है डॉक्टर, क्या हुआ एग्जैक्टली? एक तो सुबह सुबह तू मेरे बेटे पर जुल्म ढालना शुरू कर देती है। मम्मी जी, सुबह सुबह से ऐसे कौन से डंडे बरसा दिए मैंने आपके बेटे पर, हाँ, जो आप इतना मेलो ड्रामा कर रही हैं? मैं मेलो ड्रामा कर रही हूँ? तू बता मुझे कि तू सुबह से ही नहा धोकर मेरे बेटे के पीछे पड़ जाती है कि नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने, ना धोकर मैंने आपके बेटे से सिर्फ एक कॉफी मांगी है सुबह से, जिसको लाने में भी उसने 1.5 घंटा लगा दिया है। नहीं भाभी, ये सिर्फ कॉफी की बात नहीं है, आई थिंक आपने जरूर कोई ऐसी बात विभूति भैया को बोली है जो उनके अंदर तक घर कर गई है। कितने अंदर तक? काफी अंदर तक ले गए। और भाभी जी, मेरे ख्याल से ये आज की बात नहीं है, ये इस बीमारी को शायद बरसों से अपने अंदर पाल रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर? ठीक कह रहा है वो। विभूति भैया ने अपने मन के फार्म हाउस में जलालत के कई मवेशी पाल रखे। आप डॉक्टर है कि चरवाहे? ठीक बात है ना भाभी जी, दरअसल मेरे पिताजी चरवाहे थे और गलती से मैं डॉक्टर बन गया। अच्छा तू अपना जीवन परिचय देना बंद कर दे और ये बता कि मेरे बेटे का क्या हाल है। बताया तो आंटी जी, विभूति भैया परेशान है, लेकिन दिखने में तो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे हैं वैसे। हाँ भाभी जी, ऐसे लोग दिखने में तो बड़े नॉर्मल होते हैं लेकिन अपने अंदर सैकड़ों तूफान लेकर घूमते हैं, इसी वजह से इनका बीपी ऊपर नीचे हो रहा है। हाय बीपी। ओके ओके ओके, अब इलाज क्या है इसका? इसका एक ही इलाज है भाभी जी, कि आप लोग इनके आसपास थोड़ा खुश मिजाजी का, लतीफेदार, हंसी मजाक का एक लाइट माहौल रखिए और बिल्कुल भी सेंसिटिव इमोशनल ऐसा टेंशन देने वाला माहौल मत बनाइए, वरना ये कोमा में जा सकते हैं। हे भगवान, इस औरत ने ना मेरे अच्छे खासे बेटे का कबाड़ा बना के रख दिया है। अरे मम्मी जी, आप मुझ पे गलत दोष क्यों लगा रही हैं? गलत दोष नहीं लगा रही हूँ मैं,
तू मेरे बेटे को ना दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा रही है। मम्मी जी, ये आपका बेटा है, चंदन के लकड़े का कोई टुकड़ा नहीं है, और ये बेरोजगारी का ऐसा टूटा हुआ खटोला है जो दिन भर चर चर करता रहता है। डॉक्टर साहब, क्या 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 हो गया इसको? देखो प्लीज आंटी जी, प्लीज भाभी जी, थोड़ा सा मेरे पेशेंट पे रहम खाइए। ये आप इस तरह का टेंशन वाला माहौल क्रिएट कर रही है ना, इससे मेरे पेशेंट की तबीयत खराब हो रही है। कुछ दिनों के लिए आप लोग आपस में दोस्ती कर लें प्लीज। ठीक है, सिर्फ विभू के लिए, कुछ दिनों के लिए मैं आपसे झगड़ा नहीं करूंगी। कुछ दिनों के लिए, उसके बाद बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवा। भाभी जी, आप हवा हवाई नहीं, आप दवा दवाई हैं। आप वो दवाई हैं जो हुस्न के बीमारों के काम आती है। अच्छा बोले। अरे भाभी जी, कैसी हैं आप? How are you doing? हम तो एकदम तंदुरुस्त बा। हाय दिया, लेकिन आप हमको कुछ ठीक ना ही लग रहे हैं, बीमार बीमार से लग रहे हैं। नहीं भाभी जी, हम तो आपके हुस्न के बीमार हैं। क्या बोले भाभी जी? रात को थोड़ा सा बीपी ना थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। हाय दिया, वो ब्लड शक्कर। ब्लड शक्कर तो आपके लड्डू के भैया हैं, मतलब भाभी जी वो ब्लड प्रेशर कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। अब अनीता जी डांट पड़ती का? नहीं, अनु ने डांटा नहीं मुझे भाभी जी, शी नेवर स्कोल्ड्स मी, कभी डांटती नहीं मुझे वो। एक्चुअली क्या है कि खुद ही अपने फ्यूचर को लेकर बड़ा परेशान। हाँ वो भी तो है, आपका तो कोनो कॉरिडोर भी नहीं है भाभी जी, वो करियर होता है। सही पकड़े हैं। वो कहे कि कछु काम धंधा है ना ही आपके पास, नल्ले हैं भाभी जी। मैं इसलिए तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं, मैं कुछ नया करना चाहता हूं। I want to do something fresh, something new. उसके लिए काफी देर ना ही हो गया। किसी ने कहा है कि जब आंख खुले तभी सवेरा। हाँ वो भी ठीक बा। खैर छोड़िए, वो कहे ना कि हम ना आपको और अनीता जी को आज रात खाने पर बुलाना चाहते थे, लेकिन आपका तो तबीयत ही ठीक नहीं है। भाभी जी, मैं एकदम ठीक ठाक हूँ। I'm absolutely fit and fine, as you can see. चल झूठा। ये आइटम कौन है भाई? भाग 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 भाग। आउच। हे दिया। ये कौन है भाभी जी? अरे ये वहाँ रहता है ना, वो 277 वाले अंकल है ना। उनकी तो एक बेटी थी। वही तो है। My God. Anyway, भाभी जी, डॉक्टर ने मुझे दवाएं दी हैं, इंजेक्शन दिया है और कहा है कि तुम खुश रहो। और जब आप मेरे आसपास होती है ना तो मैं ना बहुत खुश रहता हूँ। तो आऊँगा मैं आपके घर पे डिनर पे, और साथ में अनु को भी लेके आऊँगा। ठीक बा, आइए। हाँ हम अच्छा सा खाना बनाते हैं। वो क्या बोलते हैं, बोनापति? बोनापति नहीं भाभी जी, इस बोन एपेटीट। सही पकड़े हैं। पहले इंग्लिश बेचती थी, अब फ्रेंच बेच रही हैं। आप क्या बोले? बढ़िया चलता हूँ भाभी जी। ओह माय गॉड, टू हॉट। क्या लौंडो, इस साल कानपुर में यार बड़ी गर्मी पड़ रही है जोरों की। क्यों? तो भैया तू एक काम कर, लंदन चला जा, बर्मिंघम पैलेस में। अच्छा, जब बर्मिंघम पैलेस में तू बड़ो चूना पोत करा रहा हुआ है। अरे वाह लंडो, क्या बकवास चल रही है, हैं? किसी पैलेस वैलेस की बात कर रहे हो तुम लोग? ऐसा सना भैया, आपने कहा देखो है वो लंदन को बर्मिंघम पैलेस। अबे तीसरी फेल उजड़ आदमी। पहले बोलना तो सीख ले, है? वो है बकिंगम, बकिंगम पैलेस। बकिंगम? हाँ। बकबलियम बल। अबे बकिंगम, बकिंगम। बकिंगम? हाँ, बकिंगम पैलेस। बकिंगम। अब ये देखो, ये देख रहे हो मेरे हाथ पे निशान? Oh my God, too rough. ये कैसा निशान है भैया? ये बकिंगम पैलेस की अंग्रेज बिल्ली के काटने का निशान है। एक मिनट। एक मिनट सक्सेना भैया, पहले ये बताओ आप बर्मिंघम पैलेस का करने गए थे? बकिंघम पैलेस के राज घराने के कपड़े जिस लॉन्ड्री में धुलने जाते हैं, उस लॉन्ड्री के मालिक मिस्टर जॉन धुले।
वो एक बार इंडिया आए थे और मेरे दादाजी ने मिस्टर जॉन धुले की बहुत 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 खातिरदारी की थी, उनको इंडिया की बारीकियों के बारे में बताया था। बारीकियों के बारे में बताया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं हुआ, उसके बाद मैं पैदा हो गया, और पैदा होते ही मेरे भाई मेरे दिमाग के 12 बजे हुए थे। इंडिया में घूमते रह गए, तड़पते रह गए, पर मेरा इलाज ना हो पाया। उसके बाद मेरे दादाजी ने मिस्टर जॉन धुले को फोन किया। उसके बाद मैं गया बकिंगहम पैलेस लंदन, वहां पे रह के मेरे पागलपन का इलाज हुआ है, और तब से मैंने अपने पागलपन के आंदोलन की शुरुआत की है मेरे दोस्तों। इतना बड़ा पास्ट। मैं जानता हूँ इस बात पे यकीन करना बहुत मुश्किल होगा, पर यही सच है मेरे दोस्तों, एंड आई लाइक इट। बट आई डोंट लाइक इट। भाभी जी नमस्ते। अरे अरे बस बैठे बैठे। भाई माँ क्या हुआ, व्हाट यू डोंट लाइक? आई डोंट लाइक विभूस कंडीशन। पता नहीं उसे क्या हो गया, उसकी हालत इतनी खराब हो रही है, तबीयत इतनी खराब हो रही है, उसका बीपी कितना फ्लक्चुएट कर रहा है। अरे भाभी जी इतना कुछ हो गया, आप बताइए हम तीनों क्या सेवा कर सकते हैं, बताइए भाभी जी। भाभी जी आप बस हुक्म कर दियो, हम तो विभूति भैया के लिए उनकी जान भी ले सकते हैं, मतलब अपनी जान दे सकते हैं। मुझे जान नहीं चाहिए, मुझे आप सबकी मदद चाहिए। अरे भाभी माँ आप आदेश तो कीजिए, हुक्म कीजिए, हम सब आपके बच्चे हैं। मैं तो कहता हूँ कि पूरा कानपुर आपका बच्चा है। सक्सेना जी, जी पूरे कानपुर को मेरा बेटा मत बनाइए, आप तक ही सीमित रखिए। सॉरी सॉरी भाई, बताए ना क्या करना, क्या बताए? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप सब मिलके उसका दिल बहलाए, वो इतना दुखी हो चुका है, इसीलिए उसका बीपी इतना ऊपर नीचे हो रहा है। गॉड, भाभी जी वो दुखी क्यों हो रहे हैं? भैया ने कोई कांड कर दो का? नहीं नहीं कांड कुछ नहीं किया उन्होंने, बस मैंने उन्हें थोड़ा सा डांट के दिया, इतना दुखी हो गए वो। बताइए अजीब नल्ला है यार वो। भाभी मेरा कहने का मतलब ये है कि बाहर तो उन्हें हर कोई जलील करता रहता है, जूतियों का हार पहनाता रहता है, उन पे कोई फर्क ना पड़ता। हाँ। आपने थोड़ा सा कह दिया तो मुंह सुजा के बैठ गए। भाभी माँ आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं विभूति भैया को रिलैक्स कर दूंगा। सिर्फ एंटरटेन करना है उसे, खुश रखना है, हा? और इस बात के लिए मैं आप तीनों को पे भी करूंगी। अरे 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 भाभी जी कैसी बात कर दी आपने? अरे विभूति सेठ जी तो अपने अपने तो अपने होते हैं। बहुत अच्छे, फिर तो मैं एक पैसा नहीं दूंगी। ना 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 भाभी जी ऐसी बात ना, आप तो बुरा मान गई, आपको जो मन करे वो कर देना, आप पे दिल ना दुखाना आगे साले अपनी औकात पे। रिश्तों के बाजार में कलाकंद ढूंढने निकले हैं। भाई माँ आप चिंता मत कीजिए, आपका ये बेटा जरूर आएगा। भैया हम भी साथ चलेंगे आपके। भाभी जी आप टेंशन मत लो, कसम खा के कह रहे हैं हम तीनों विभूति सेठ जी को हंसा के रहेंगे, बस किसी तरह वो नॉर्मल हो जाए। आज हम भाभी जी के सामने अपनी भावनाओं के डैम के कुछ दरवाजे खोल के दिखाएंगे, ताकि भाभी जी को भी ऐसा फील हो सके कि हमारे अंदर भावनाओं का समुद्र है जिस पर हमने एक बांध बना रखा है। हाय भैया, ये हम कहां सुने अभी लड्डू के भैया कि आप एक ठो बांध बना दिए हैं, हमको तो बताए ना ही। अरे नहीं नहीं कोई बांध नहीं बनाया पगली, हम तो ऐसे ही एक ठो गाना गा रहे थे बांध पे। बांध पर गाना? हम तो सुने ना ही कभी। अरे कैसे नहीं सुने, वो गाना है ना बांध पे, वो सुन मोरे बांधो रे सुन मोरे मितवा सुन मोरे मितवा। नहीं नहीं वो बांधु नहीं है, वो बंधु है। ठीक है ना, एक ही तो बात है पगली। हेलो आइए आइए। हेलो अनीता जी। हेलो अंगूरी जी। हेलो तिवारी जी। हेलो भाभी जी। हेलो विभूति जी। हेलो तिवारी जी। हेलो एंड भाभी जी अ बिग हेलो टू यू। हेलो हेलो विभूति जी कैसन बा? भाभी जी आई एम फीलिंग बेटर, अब मेरा बीपी कंट्रोल में है अब तो। भैया फिर कछु हुआ आपको?
नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, सुबह सुबह बस थोड़ा सा डांट दिया मैंने इसे, नॉर्मली है, तो कोलैप्स हो गया वो और तब से थोड़ा बीपी उसका फ्लक्चुएट हो रहा है, बट इट्स फाइन, नथिंग मच। क्या आपको बीपी की समस्या है? एक्चुअली ये बीपी की समस्या भगवान किसी को ना दे, किसी को भी ना दे। तिवारी जी क्या हो गया आपको? हाँ आपको भी बीपी की तकलीफ है क्या? नहीं नहीं हमें बीपी की कोई समस्या नहीं है भाभी जी, दरअसल हमारे एक पालतू कुत्ता था, उसका बीपी घटता बढ़ता रहता था, कभी 380 के पार पहुंच जाता था, कभी 50 पे आके रुक जाता था। भाभी जी उसकी सांसें उखड़ती रहती थी, वो हांफता रहता था। ओके प्लीज ये टॉपिक चेंज कीजिए, टॉक समथिंग एल्स। तिवारी जी छोड़ दीजिए, इसके बारे में क्या बात करना? नहीं कैसे रोक दे जनाब, ने उसको कुत्ते का क्या जो हांफता रहता था, उसकी सांसें टूटती रहती थी। ठीक है वो ठीक हो गया होगा, भूल जाइए उसके बारे में। और आप कैसी है? हां सब ठीक है, बाकी हाउ वाज इट? सब ठीक ठाक ही चल रहा है, आप बताइए ना अनीता जी। नहीं नहीं एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज ग्रेट, इनफैक्ट हम दोनों बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है, थैंकफुल है कि आपने हमें डिनर पर इनवाइट किया। दैट्स राइट तिवारी जी एंड भाभी जी, थैंक यू सो मच कि आपने हम दोनों को डिनर पर इनवाइट किया, इट्स अ प्लेजर। आप लोग बिना इतना ऐसे बोल रहे हैं, ये तो हमारा खुश नसीबी है कि आप दोनों हमारे घर पधारे हैं। भेड़ कम अबे भेड़ बकरियों के खानदान से तो ये हैं। आप वो वेलकम कहना चाह रही हैं वैसे? सही पकड़े हैं। अरे तिवारी जी